गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द इंचांटेड पुल के लेसन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। तो कल हम लोगों ने देखा कि जब उनके चारों भाई युधिष्ठिर के काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर उसी तालाब की ओर जाते हैं जहाँ पे वे उनको लगता था कि हो सकते थे, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको चारों को वहीं पे मूर्छित अवस्था में देखते हैं। उसी के आगे है कि जब उन्होंने एज ही लुक्ड एट द माइटी, मतलब होता है शक्तिशाली, लिंग मतलब अंग, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, किसके, अपने भाइयों के, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल असहाय अवस्था में पड़े थे, ही सैडली वंडर्ड, दुखी होते हुए उनको आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो गया कि जो इन्हें, जिसने इन्हें मार डाला, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो गया जिसने कि इन्हें मार डाला। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पुल, उसके पश्चात, डिसेंड मतलब उतरना, वो भी उस तालाब में उतरने लगते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास के कारण वो भी पानी पीने के लिए उस तालाब में गए। एट वंस द वॉयस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मतलब ध्यान देना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ही पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो दिम, तुम उनके जैसा कार्य मत करो, उनका अनुसरण मत करो, फॉलो मतलब अनुसरण करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे सवालों का जवाब पहले दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही बुद्धिमान थे और इसलिए जो है वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये कौन है। दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, की वे समझ जाते हैं कि ये यक्ष के यक्ष के शब्दों के अलावा, यक्ष की आवाज़ के अलावा कोई नहीं हो सकता है। एंड गेस्ड, और ये अनुमान लगा लेते हैं कि वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ में क्या घटना घटी होगी, इस बात का वो अनुमान लगा लेते हैं। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अब उन्हें यह भी समझने में एक क्षण नहीं लगा कि अब उनके भाइयों के जीवन को वापस लाने का एक उम्मीद उनको नज़र आने लगी। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस, उन्होंने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने सवाल पूछिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद एक सवाल जल्दी जल्दी, रैपिडली मीन्स शीघ्रतापूर्वक, पूछना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही है, तो कल हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या सवाल पूछते हैं, तो इनका आप अध्ययन करिएगा, जहाँ पे भी कोई परेशानी हो किसी